एमएससी फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का जो पार्ट चल रहा था उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए और हम रूल्स को देखते हैं। यहाँ पर ये जो रूल है वो प्रेजेंस ऑफ आइडेंटिकल हेट्रो एटम्स, ये जो है मोनोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में सिमिलर टाइप के हेट्रो एटम्स के प्रेजेंट होने पर किस प्रकार से हमें किन रूल्स के अंतर्गत इनका नामकरण करना है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ हेट्रो एटम्स के होने पर प्रीफिक्सेस डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा आर यूज्ड एंड प्लेस्ड बिफोर द प्रीफिक्स यूज्ड फॉर हेट्रो एटम व्हेन टू और मोर सिमिलर टाइप ऑफ हेट्रो एटम्स आर देयर। तो जब दो या उससे अधिक समान तरह के हेट्रो एटम्स हैं तो उनके लिए जो प्रीफिक्स हैं वो डाई ट्राई टेट्रा वगैरह यूज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है 1,3 डाई ऑक्सोलेन, 1 और 3 पोजिशन पर दो ऑक्सीजन एटम हैं, इस 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। ओलेन है इस 5 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए, ये जो है इसके लिए सफिक्स है, जबकि नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। हम जानते हैं 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग के लिए नाइट्रोजन के एब्सेंट होने पर ओलेन जो है जो स्टेम है वो यूज किया जाता है। तो नाम इसका कंपाउंड का हो जाएगा 1,3 डाई ऑक्सोलेन। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा है वो प्रीफिक्स है, दो ऑक्सीजन है 1 और 3 पोजीशन पर, तो 1,3 डाई ऑक्सोलेन इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट है 1,2,4 ट्राई एजोल है, 1, 2 और 4 पोजीशन पर 3 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो उसके लिए ट्राई एजा आ जाएगा। ट्राई 3 नाइट्रोजन के लिए है, एजा इज़ द प्रीफिक्स फॉर द नाइट्रोजन, एंड ओल है ये अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग के लिए है, जबकि नाइट्रोजन हेट्रो एटम। हम जानते हैं ओल है 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड रिंग के लिए है। तो 1,2,4 ट्राइएजोल, डेफिनेटली इनकी नंबरिंग करने में आगे और भी आ जाएगा नियम में कि हम इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं कि इसमें लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट है वो हम दें। जैसे हमने इसमें नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज की है, 1 एक नाइट्रोजन को दिया, 2 दूसरे को दिया और 4। अगर इसी नंबरिंग को हम क्लॉकवाइज करने लगें तो 1, 2, 3, 4 और 5 अर्थात 1, 3, 5 हो जाएगा, जो रॉन्ग नेम हो जाएगा। तो करेक्ट नेम में हमें ये भी ध्यान देना है कि जो हमारे सिमिलर टाइप के हेट्रो एटम्स हैं उनके लिए लोएस्ट नंबर्स हैं वो मिले, तो 1,2,4 ट्राई एजोल है वो इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है पिरिमिडीन का। पिरिमिडीन में हम जानते हैं कि दो नाइट्रोजन एटम्स हैं वो 1 और 3 पोजीशन पर होते हैं, जिसका सिस्टमेटिक नेम 1,3 डाई एजीन आता है। डाई इज़ फॉर 2 नाइट्रोजन, एजा इज़ द प्रीफिक्स फॉर द नाइट्रोजन, डाई फॉर 2 है एंड आइन फॉर द 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोसाइक्लिक सिस्टम के लिए होता है। तो 1,3 डाइजीन इसका सिस्टमेटिक नेम होगा और पिरिमिडीन है ये इसका कॉमन नेम है। पहले हम एक रूल में देख चुके हैं कि अगर कॉमन नेम है वो बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ जाते हैं, तो हमें उन्हें कॉमन नेम को ज़्यादा प्रीफर करना है एज़ कम्पेयर टू द सिस्टमेटिक नेम। नेक्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो 1,3,5 ट्राई एजीन है, 3 नाइट्रोजन है उनके लिए ट्राई आ गया, एजा है वो नाइट्रोजन के लिए प्रीफिक्स आ गया और आइन है वो अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक सिस्टम के लिए, जैसे 1,3 डाइजीन में किया था वैसे ही 1,3,5 ट्राई एजीन है वो इस कंपाउंड का सिस्टमेटिक नेम हो जाएगा। नाउ इज द प्रेजेंट ऑफ डिफरेंट हेट्रो एटम। डिफरेंट हेट्रो एटम्स का जो प्रेजेंस है ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के अगर हेट्रो एटम्स हैं तो हम प्रेफरेंस का ऑर्डर है उनकी नंबरिंग करने में यूज़ करेंगे। डेफिनेटली ये जो हमारा प्रेफरेंस का ऑर्डर है वो हमारी जो प्रेफरेंस की जो टेबल है जिसको हम सीनियरिटी टेबल ऑफ हेट्रो एटम्स भी कह सकते हैं, वहाँ से हम इसको उठाते हैं, वहाँ से हम लोग इस चीज़ को पिकअप करते हैं कि अगर दो डिफरेंट टाइप के हेट्रो एटम हैं वो हेट्रो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं तो वो हम किस प्रकार से उनको नंबरिंग करेंगे। When two or more different hetero atoms are present in same ring, the prefixes of hetero atoms are combined in order of their appearance as given in table of various prefixes. तो हमने यहाँ पर बता दिया है कि हम जो है उसकी जो seniority है उसके अनुसार है order of their appearance, as उसी appearance के हिसाब से हम इनका नाम भी करेंगे और उसी हिसाब से हम इनको number देंगे। जैसे यहाँ पर है ये 5 मेंबर्ड एक अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम है जिसमें कि सल्फर भी है और नाइट्रोजन भी है। तो सल्फर है वो हम सीनियरिटी टेबल में देखते हैं
कि वो हायर पोजीशन पर है अर्थात ऊपर है, नाइट्रोजन उससे नीचे है। तो हम नाम लेते समय भी थाया वर्ड को पहले प्रयोग करेंगे, एजा को हम बाद में प्रयोग करेंगे, और नंबरिंग जो करेंगे वो भी सल्फर को हम नंबर है कम देंगे और नाइट्रोजन को नंबर है वो हम बाद में देंगे। तो इसकी नंबरिंग करने में वन पोजीशन है वो सल्फर को मिला है, थ्री पोजीशन टू एंड थ्री पोजीशन नाइट्रोजन को है। फाइव मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम नाइट्रोजन कंटेनिंग। तो देखिए नाइट्रोजन कंटेनिंग के लिए अनसेचुरेटेड में ओल है वो सफिक्स आएगा, तो इसका नाम हो जाएगा वन थ्री थायाजोल। वन सल्फर को इंडिकेट कर रहा है थाया को, थ्री है एजा को इंडिकेट कर रहा है नाइट्रोजन को, ओल है वो फाइव मेंबर्ड अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है वन फोर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में है वन पोजीशन पर ऑक्सीजन है, फोर पोजीशन पर नाइट्रोजन है। तो उसी क्रम में हमने देखिए नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के बाद आता है सिग्नेटरी टेबल में इनकी प्रीफिक्सेस की हेट्रो एटम्स की। तो हमारे लिए जो नाम हो जाएगा वो वन फोर ऑक्सीजन। वन इंडिकेट्स फॉर द ऑक्सीजन, फोर इंडिकेट्स फॉर द नाइट्रोजन एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी वन फोर ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो हमने सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम लिया है जिसमें सल्फर हेट्रो एटम है एज वेल एज नाइट्रोजन हेट्रो एटम है। तो सल्फर के लिए हमने वन दे दिया क्योंकि सल्फर सिग्नेटरी टेबल में ऊपर है, फोर है वो नाइट्रोजन के लिए मिला है और कंपाउंड का नेम हो गया वन फोर थायाजीन। वन इंडिकेट्स फॉर द सल्फर, फोर इंडिकेट्स फॉर द नाइट्रोजन एंड द नेम ऑफ द कंपाउंड इज वन फोर थायाजीन। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं नंबरिंग इन द रिंग है। नंबरिंग रिंग में हमें किस प्रकार से करनी है, तो नंबरिंग के लिए हमने थोड़ा थोड़ा पहले भी बता दिया था इस प्रकार। व्हेन वन हेट्रो एटम इज प्रेजेंट इन द रिंग है, जब एक ही हेट्रो एटम है वो रिंग के अंदर प्रेजेंट है तो हमें नंबरिंग किस प्रकार से करनी है। नंबरिंग ऑफ द रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम हेट्रो एटम। तो देखिए हेट्रो एटम है किसी भी हेट्रोसाइक्लिक रिंग में है, हेट्रो एटम इज जस्ट लाइक द फंक्शनल ग्रुप है क्योंकि उस हेट्रोसाइक्लिक जो रिंग है उसकी जो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसी हेट्रो एटम के द्वारा गवर्न होती हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग ऑफ द रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द हेट्रो एटम गिविंग पोजीशन वन टू एट है, तो यहाँ से है इसको फंक्शनल ग्रुप मानते हुए हम इसको नंबर वन देंगे टू इट एंड प्रोसीड्स इन सच ए वे एज टू गिव द लोएस्ट पॉसिबल लोकेंट टू द सब्सटेंट प्रेजेंट। तो और दूसरे सब्सटेंट हैं जैसे मिथाइल ग्रुप है या अन्य कोई अल्काइल ग्रुप वगैरह प्रेजेंट है तो उनको, अब हमें नंबरिंग कैसे उठानी है फिर से हम समझ लें। नंबरिंग हमें स्टार्ट करनी है अपने हेट्रो एटम से और फिर इस प्रकार से हमारे लिए नंबरिंग करनी है कि जो हमारे जो अदर सब्सटेंट्स हैं उनको लीस्ट नंबर मिले। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारे सब्सटेंट्स हैं उनको भी लीस्ट नंबर मिले अर्थात हमारे जो नंबर्स का जो सम है वो कम, तो लोएस्ट सम रूल है वो यहाँ पर बिल्कुल एप्लीकेबल रहेगा। जैसे पिरिडीन है तो पिरिडीन में ये तो अनसब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए नंबर वन दे दिया। मैंने फिर से बताया है कि पिरिडीन है ये कॉमन नेम है जो बहुत अधिक प्रचलन में आ गया है, इसलिए पिरिडीन इज़ द एक्सेप्टेड सिस्टमेटिक नेम है। सिस्टमेटिक सिस्टम में भी इसको पिरिडीन को एक्सेप्ट कर लिया है। अब देखें हम यहाँ पर टू पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है और फाइव पोजीशन पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो 2,5 डाइमिथाइल पिरिडीन है ये इसका करेक्ट नेम हो जाए। अब इसकी नंबरिंग देखिए अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज वे में उठाई है, तो यहाँ पर टू पोजीशन पर इस मिथाइल को दिया है, फाइव पोजीशन पर दूसरे मिथाइल को दिया। अगर हम इसको क्लॉकवाइज करने लग जाएं तो वन पर नाइट्रोजन, टू एंड थ्री, थ्री पर एक मिथाइल ग्रुप आएगा, फोर फाइव एंड सिक्स पर, तो थ्री एंड सिक्स आएगी नंबरिंग अर्थात टोटल है नंबर का 9 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हमारा टोटलिंग हो रहा है 2+5 दैट इज इक्वल टू 7। तो हमें लोएस्ट सम रूल का भी ध्यान में रखना है और उसके अनुसार हमारे लिए इसकी नंबरिंग है वो करनी। नेक्स्ट है 7 मेंबर्ड एक हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम का एग्जांपल लिया है जिसमें केवल एक हेट्रो एटम है, तो ऑक्सीजन को हमने यहाँ पर हेट्रो एटम है तो उसको नंबर वन दिया है और बाकी जो हमारे मिथाइल सब्सटेंट्स हैं उनको हमने लीस्ट पॉसिबल नंबर देते हुए इसकी नंबरिंग की है। तो टू पोजीशन पर एक मिथाइल है, थ्री पर एक मिथाइल है, सेवन मेंबर्ड सिस्टम है तो 2,3 डाइमिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप हैं टू एंड थ्री पोजीशन पर, तो 2,3 डाइमिथाइल हो गया। ऑक्सीजन है यहाँ पर तो ऑक्सी और इपाइन है, इपाइन इज़ द 7 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के लिए, जब अनसेचुरेशन है तो इपाइन इज़ द सफिक्स या स्टेम है, तो हमारा क्या नाम हो जाएगा,
2,3-dimethyloxypine है, दैट इज द करेक्ट नेम। अगेन हम ये देखेंगे कि इसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया है नंबरिंग, अगर हम क्लॉकवाइज नंबरिंग करने लग जाएं तो फिर हमारे इन जो मिथाइल ग्रुप्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 नंबर मिलेगा, तो 6 और 7 का जो टोटल है वो 13 होगा, जबकि हमारे लिए यहाँ पर जो सम है 2+3 दैट इज इक्वल टू केवल 5 मिल रहा है। तो हमें इन दोनों चीज़ों का ध्यान में रखना है, हेट्रो एटम को हमें सबसे ज़्यादा वरीयता देते हुए, प्रेफरेंस देते हुए उसको नंबर 1 देना है, और अदर जो सब्सटेंट्स हैं उनको अकॉर्डिंगली नंबर इस प्रकार से देना है कि हमारे जो सब्सटेंट्स हैं उनको लीस्ट नंबर प्राप्त हो। नेक्स्ट उदाहरण हमने लिया है नाइट्रोजन का, ये 8 मेंबर्ड एक हेट्रोसाइक्लिक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसके लिए यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है वो 4 पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो 4 मिथाइल एजोसिन, एजोसिन है, एजा फॉर द नाइट्रोजन है, 4 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, डेफिनेटली एक हेट्रो एटम है तो उसको 1 नंबर होगा, उसे हम कभी इंडिकेट नहीं करते हैं। ऊपर के एग्जांपल में भी जो हेट्रो एटम है उसके नंबर को इंडिकेट नहीं किया है, वो इम्प्लाइड है कि वो जो नंबर है उसको 1 होगा। 4 पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो 4 मिथाइल एजोसिन, एजा है नाइट्रोजन का जो प्रीफिक्स है, और ओसिन है 8 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग अनसैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम के लिए 4 मिथाइल एजोसिन है, ये इसका करेक्ट नेम हो जाएगा। अब आगे के रूल में हम देखते हैं, व्हेन 2 और मोर आइडेंटिकल और नॉन आइडेंटिकल हेट्रो एटम्स इन द रिंग है, तो अब रिंग के अंदर है आइडेंटिकल या नॉन आइडेंटिकल हेट्रो एटम्स अगर प्रेजेंट हैं तो उनमें हम नंबरिंग है और सब्सटेंट की पोजीशन को किस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। तो व्हेन 2 और मोर आइडेंटिकल हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग इज नंबर्ड इन सच ए वे दैट द हेट्रो एटम्स आर असाइंड लोएस्ट पॉसिबल सेट नंबर ऑफ लोकेंड। तो देखिए आइडेंटिकल होने पर भी हमारे लिए लोएस्ट पॉसिबल नंबर उनको देना है और नॉन आइडेंटिकल होने पर भी लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है 1,3-thiazole का, तो इसमें सल्फर भी हेट्रो एटम के रूप में है और नाइट्रोजन भी हेट्रो एटम के रूप में है। सीनेटी टेबल से हमने देखा है सल्फर को सीनियर माना गया है, तो सल्फर के लिए एटम नंबर 1 दे दिया, हमने नंबर 1 दिया है, और नाइट्रोजन के लिए नंबर 3 दिया हुआ है। और तो 1 पर है थाया, थाया किसको इंडिकेट कर रहा है, 1 पर इंडिकेट कर रहा है, और 3 पर है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सो 1,3-thiazole है। हम जानते हैं 5 मेंबर्ड सिस्टम के लिए अगर नाइट्रोजन है तो ओल स्टेम है, और एजा है फॉर नाइट्रोजन, थाया फॉर दी सल्फर, तो 1,3-thiazole इज़ द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड है। अब देखिए नंबरिंग का हमारे लिए फिर से मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ कि अगर हम इसकी क्लॉकवाइज नंबरिंग करने लग जाएं तो सल्फर को 1 मिलेगा, 2, 3 and 4, नाइट्रोजन को नंबर 4 मिल जाएगा, तो टोटल हो जाएगा 4+1 दैट इज़ 5, जबकि इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करने पर 1 and 3 नंबर मिल रहा है, दैट इज़ द सम इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट है 1,3-oxazole, 1,3-oxazole में ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो 1 पोजीशन पर ऑक्सीजन है और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है। लोएस्ट सम रूल का हमने ध्यान रखा है और हमने प्रेफरेंस ऑफ द हेट्रो एटम्स का भी ध्यान में रखा है, सीनियर ऑक्सीजन है तो 1 उसको नंबर मिला है, नाइट्रोजन को 3 नंबर मिला है, तो 1,3-oxazole है, दैट इज़ द करेक्ट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड सल्फर का है, तो अब हम यहाँ पर देखें ऑक्सीजन एंड सल्फर में ऑक्सीजन इज सीनियर एज कम्पेयर टू द सल्फर, तो ऑक्सीजन को हमने नंबर 1 दिया है, सल्फर को नंबर 2 दिया है, और ये जो है सैचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक सिस्टम का एग्जांपल है जिसमें कि नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो अब देखिए 1 and 2 पर है, 1 पर ऑक्सीजन, 2 पर है सल्फर, ऑक्साथायोलेन है, ऑक्सा 1 के लिए इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजन को, 2 है वो सल्फर को इंडिकेट कर रहा है, और ओलेन है, ओलेन किसके लिए, ओलेन इज द स्टेम फॉर 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग के लिए, 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग के लिए ओलेन है, जबकि नाइट्रोजन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो इस प्रकार से 1,2-oxathiolane है वो कंपाउंड का नेम हो जाएगा। ये जो नाम है सिस्टमेटिक सिस्टम में हमारे लिए ये क्लियर बताते हैं कि अगर हमारे लिए नाम दिया हुआ है तो हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे लिए
वन टू ऑक्साथायोलेन नेम दिया है तो हम आसानी से इस कंपाउंड को बना सकते हैं। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कंपाउंड का नेम दे करके उसका स्ट्रक्चर भी बनवाया जा सकता है, और अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो उसका नाम भी हमें पूछा जा सकता है। तो हमारे लिए ये जितने भी रूल्स हैं वो सब हमारे लिए इंडिकेट करते हैं कि हम किस तरह से इन क्वेश्चंस को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं।